इंदौर से हाल ही में जबलपुर जेल भेजा गया एनएसए कैदी जावेद खान टेस्ट में पॉजिटिव। आईसीएमआर लैब से सुबह मिली रिपोर्ट। जबलपुर में पिछले 3 दिनों में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें एक जबलपुर का रिटायर्ड अधिकारी है। वहीं शनिवार को जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसे इंदौर से जबलपुर जेल लाया गया था। कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेल में निरुद्ध अन्य कैदियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि इंदौर से लाए गए कैदी को अलग रखा गया था। इसके बाद भी जेल प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। कैदी की पॉजिटिव होने की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार इंदौर से हाल ही में जबलपुर जेल भेजा गया एनएसए कैदी जावेद खान टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। आईसीएमआर लैब से शनिवार सुबह मिली रिपोर्ट के आधार पर वह पॉजिटिव पाया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाए गए कैदी को अब मेडिकल अस्पताल में विशेष निगरानी में रखकर इलाज किया जाएगा, जिसकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। अप्रैल की सुबह की मीडिया ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आज विक्टोरिया से सुबह की शिफ्ट में 7 सैंपल भेजे गए, 8 मेडिकल कॉलेज से भी भेजे गए हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अन्य जिलों के भी सैंपल भेजे जाते हैं, तो हो सकता है वो अन्य जिलों के हों जो भी संभावित हो। कल एक जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, वो इंदौर के एनएसए कैदी हैं एक, जिनका एनएसए हुआ था इंदौर से, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो उनको कैदी हैं उनको, इसलिए उनका भी अब इलाज करना पड़ेगा। 4 लोग कैदी आए थे एनएसए में इंदौर से, जबलपुर सेंट्रल जेल के लिए उन्होंने भेजे थे, और उनका टेस्ट कराया तो 3 की निगेटिव आई है, 1 की पॉजिटिव आई है। 3 को जेल भेजा जा रहा है सेंट्रल जेल, लेकिन उनको अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, निगरानी में रखी जाएगी, और जिनका पॉजिटिव आया है वो मेडिकल कॉलेज में अब उनका इलाज होगा सुरक्षा के साथ। हम लोगों ने ऊपर भी ये चर्चा करके बताया है, अवगत कराया है वरिष्ठ अधिकारियों को कि आगे से इंदौर से या भोपाल से जहां ज्यादा स्थिति उस तरह की है वहां से कैदियों को सेंट्रल जेल हमारे यहां अभी ना भेजा जाए, क्योंकि इससे जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ जो भी प्रहरी आ रहे हैं, पुलिस है, जेल का स्टाफ है, स्वास्थ्य अमला है, सबको प्रभावित होने की संभावना है। तो ये हमने आग्रह किया है और ये वरिष्ठ अधिकारियों को बताया भी गया है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो किड्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770 2299999